प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ। कारवां मोबाइल। प्यार में कुर्बानी ना हो तो वो प्यार ही कैसा, और गानों में प्यार का पागलपन ना हो तो वो प्यार भरे गाने ही कैसे। ऐसा ही कुछ है आज का हमारा प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे। नमस्कार, मैं हूं रुचि आपके साथ, और आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे है शाहरुख खान और जूही की फिल्म डर से जादू तेरी नजर, जो कि फिल्म का ओपनिंग सॉन्ग था। और इस गाने से ही शाहरुख का ऑब्सेसिव और पजेसिव लवर का किरदार सामने आया था। ये यूनिक रोमांटिक सॉन्ग गाया है उदित नारायण जी ने, कंपोज किया है शिव हरी जी ने और लिखा है आनंद बख्शी जी ने। ऑल्सो जानते हैं आप, जादू तेरी नजर सॉन्ग की शूटिंग की शुरुआत हुई थी स्विट्जरलैंड में, लेकिन किसी कारण बाकी के गानों को मुंबई के स्टूडियोज में शूट किया गया था। और ये फिल्म शाहरुख खान की पहली फिल्म थी डायरेक्टर यश चोपड़ा जी के साथ। लेकिन यश चोपड़ा जी को शाहरुख खान तब पर्सनली पसंद नहीं थे, फिर भी उन्होंने शाहरुख खान के साथ काम क्यों किया? आखिर क्यों पसंद नहीं थे शाहरुख खान उन्हें? बताऊंगी आपको ये सब कुछ आगे शो पर, लेकिन फिलहाल शुरू करते हैं आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, जादू तेरी नजर, खुशबू डर फिल्म का म्यूजिक एल्बम 1993 का बेस्ट सेलिंग बॉलीवुड साउंडट्रैक था। वैसे जब यश जी ने शाहरुख को डर में कास्ट किया था, तब यश जी को शाहरुख खास पसंद नहीं थे, लेकिन उन्होंने शाहरुख खान को सिर्फ इसलिए कास्ट किया क्योंकि उस टाइम के सारे बड़े एक्टर्स ने इस नेगेटिव कैरेक्टर को रिजेक्ट कर दिया था। इनफैक्ट सनी देओल को यश जी ने दो ऑप्शंस दिए थे टू चूज बिटवीन द टू रोल्स, पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन सनी पाजी ने पॉजिटिव रोल चुना, ये सोचकर कि इससे उनका करियर आगे बढ़ेगा। लेकिन उन्हें तब क्या ही पता था कि ये नेगेटिव रोल से शाहरुख खान को स्टारडम मिल जाएगी, स्पेशली तब जब सनी पाजी अपने करियर के पीक पर थे और शाहरुख खान कुछ 5-8 फिल्में पुरानी। मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू, मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू। तू किसी और की हो न जाना, कुछ भी कर जाऊंगा मैं दीवाना। तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। जादू तेरी नजर सॉन्ग के लिए उदित जी को फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस अवार्ड को जीत नहीं पाए। लेकिन ये गाना आज भी उदित जी के टॉप 20 सॉन्ग्स में से एक है। वैसे जानते हैं आप, शाहरुख खान को इस फिल्म में साइन करने के बाद भी यश जी उनका रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि शाहरुख खान काफ़ी एरोगेंट है, उनमें थोड़ा एटीट्यूड है। इनफैक्ट काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स भी होते थे उनके शाहरुख खान के साथ, लेकिन शाहरुख तो शाहरुख है। अपने डेडिकेशन से फिल्म की शूटिंग खत्म होते होते शाहरुख ने यश जी का दिल जीत ही लिया था। फासले और कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं, फासले और कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं। जहां से तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण।
जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, 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 तू है मेरी। तो ये था आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे, जादू तेरी नजर। मैं हूं रुचि आपके साथ। डर फिल्म के क्लाइमैक्स सीन के लिए यश जी और सनी बाजी के बीच एक सीरियस आर्ग्यूमेंट हो गया था। सनी देओल को लगता था, उनका ये कहना था कि उनका रोल कमांडो ऑफिसर का है, तो शाहरुख उन्हें कैसे फाइट में डिफीट कर सकते हैं, वो भी आसानी से। लेकिन यश जी बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुए और फिर सनी देओल एक बाजू में जा करके खड़े हो गए और पॉकेट में हाथ रख करके ऐसे मतलब गुस्सा होके खड़े हो गए। लेकिन उन्हें गुस्सा इतना आया हुआ था कि उन्होंने अपने पॉकेट से फाड़ दिए थे, जिसने उस दौरान न्यूज चैनल्स की काफी सुर्खियां बटोरी थी। बस आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे उदित जी का ही गाना है, तो आइए सुनाते हैं आपको उन्हीं का एक और हिट सॉन्ग, जो जीता वही सिकंदर फिल्म से। Thank you.
आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे बना हुआ है उदित नारायण जी के जन्मदिन पर उन्हीं का गाना जादू तेरी नजर। मैं हूं रुचि आपके साथ। वैसे क्या आप जानते हैं उदित जी 36 अलग अलग भाषाओं में गा सकते हैं और उनके स्ट्रगलिंग के दिनों में उन्होंने नेपाली फिल्मों में भी एक्ट किया था, एक्टिंग हाँ, जो कि काफ़ी चली भी थी। उसके बाद उन्हें फिल्मों के ऑफर्स भी आने लगे थे, लेकिन उदित जी सिर्फ म्यूजिक पर ही ध्यान देना चाहते थे। वेल, ये भी बता दूं कि उदित जी का बचपन नेपाल के छोटे से गांव में बीता था। उनके पिता एक फार्मर थे और माँ एक फोक सिंगर, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वो एक डॉक्टर या इंजीनियर बने, लेकिन वो कहते हैं ना, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उदित जी को म्यूजिक इतना अच्छा लगने लगा कि वो काठमांडू के रेडियो में गाने लगे और फिर उन्हें नेपाल की इंडियन एम्बेसी से म्यूजिकल स्कॉलरशिप मिली और वो मुंबई आ गए। फिर क्या था, मुंबई जैसे सबके सपनों का शहर है, इस शहर ने उदित जी के सपने भी पूरे कर दिए। चलिए फिलहाल सुनाते हैं आपको एक और गाना उन्हीं की आवाज में।
तो आज के प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे के साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उदित नारायण जी का जन्मदिन। आई होप आपको ये गाना और इस गाने से जुड़ी सभी बातें अच्छी लगी हो। अगर हाँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे और उदित नारायण के कुछ गानों के बारे में बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए, सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार फिर से सुनिए उदित जी का ये खूबसूरत गाना मेरे सारेगामा कारवां से। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू, मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू, तू किसी और की हो न जाना, कुछ भी कर जाऊंगा दीवाना, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। फासले और कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं, फासले और कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं, मांग लूंगा तुझे आसमां से, छीन लूंगा तुझे इस जहां से, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरे।